सो हेलो माई ब्यूटिफुल सोल्स, वेलकम टू माई चैनल पीपल टेरेस। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने लाइफ में भी आगे बढ़ रहे होंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस, आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आ गई हूँ, आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी होगी, ओके? कैसे होंगे आपके इन लॉज, कैसी फाइनेंशियल कंडीशन होगी उनकी, आपकी अभी की एनर्जीज के अकॉर्डिंगली ये मैं देख रही हूँ, ठीक है? सो पहले मैं बनाई हूँ रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं। जब भी आपके सामने आए तो आपके लिए इसमें कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा। सो गाइस, आपके लिए यहाँ पे या कोई गाइडेंस आपके लिए छुपी होगी इसके बीच, ओके? सो जिसके थ्रू आप अपने इन लॉस के और ज़्यादा करीब आ सकते हो। सो गाइस, आपकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ रखी हुई है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 15 के बीच में आती है तो आप फर्स्ट पाइल चूज़ कर लीजिए, ओके? और अगर आप चैरिटी कार्ड को पिक करना चाहते हो तो आप इस कार्ड को पिक कर सकते हो। इसका मैसेज है प्रेयर एंड कॉन्टम्पलेशन। सो गाइस, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 16 से लेकर 31 के बीच में, ओके? या गाइस, आपने डिजर्वल खुल मतलब इनको चुना है, आप फेस बाय फेस भी, नेम तो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है? जो भी हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं, जो भी हमारे एंजल्स हैं, सो आप इनको चूज कर सकते हो, पिक कर सकते हो आप इनको, ओके? सो आपकी विश है, आपको इंट्यूटिवली पिक करना है या फिर गाइस आपको पिक करना है अपनी डेट ऑफ बर्थ को। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में होंगी, जैसे आपको पता ही है, ठीक है? अगर आप न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को दबा देना, सो दैट आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहें। एंड अगर आप इंस्टा पे हो तो आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो, ओके? आपको अबाउट सेक्शन से दिख जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी होगी, ठीक है, लिंक। एंड अगर आप पेड रीडिंग्स लेना चाहते हो वो भी ओपन है, आप पेड रीडिंग्स ले सकते हो, ठीक है? अभी अभी अनुराधा ने भी ली है पेड रीडिंग, सो ऑफकोर्स। एंड ऑल्सो तवलीन कौर ने भी ली है, सिस्टर है हमारी, सो उन्होंने भी ली है पेड रीडिंग्स, सो आप भी ले सकते हो ऐसी पेड रीडिंग्स। सो गाइस, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको मनी पे करनी है, बाकी आपकी रीडिंग देखते हैं गाइस, ठीक है? अगर आपने फर्स्ट पाइल को पिक किया है तो देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या आपके इन लॉस कैसे होंगे, आपको कैसे ट्रीट करेंगे, ओके? सो चैरिटी प्रेयर एंड कॉन्टम्पलेशन, कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। सो गाइज, आपको कहा जा रहा है आप कनेक्ट करिए हेवन के साथ, आपको सिर्फ कहना है एंड आप रिसीव कर लोगे वो सब चीज़ें जो आप चाहते हो, ठीक है? आपकी विश फुलफिल की जाएगी आपके इन लॉज की तरफ से एंड ऑल्सो एंजल्स की तरफ से। जैसे इन लॉज आप मांगोगे यूनिवर्स से, वैसे ही आपको इन लॉज मिलने वाले हैं। एंड प्रेयर कर सकते हो उसके लिए आप, ठीक है? प्रेयर करना आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आप प्रेयर करोगे तो ऑफकोर्स भगवान जी से मैनिफेस्ट करोगे कि यस, मुझे ऐसे इन लॉज चाहिए, तो आपको वैसे ही इन लॉज दिए जाएंगे, ऑफकोर्स ऐसे ही दिए जाएंगे, ठीक है? अच्छे ही होंगे, मैं कहूँगी कि अच्छे ही हों। फर्स्ट चक्र आर्की एंजल माइकल, ओके, वाओ, मैन होल्डिंग अ कॉइन। मनी वाइज तो कोई कमी नहीं दिख रही है, बिकॉज बेस चक्र भी आ चुका है यहाँ पे। वाओ, अमेजिंग गाइस, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ओके, ओके, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी आया है, ओके, द टेम्पल पाथ, बॉटम ऑफ द डेक इज सिक्स चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन। सो गाइज, बहुत इंट्यूटिव फैमिली होने वाली है, बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली भी हो सकती है, ओके? बिकॉज यहाँ पे टेम्पल पाथ है, ट्रेडिशनल फैमिली में आपकी शादी होने वाली है, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ ये है या जिन्होंने भी चैरिटी कार्ड को पिक किया है। सो गाइज, बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली में आपके मैरिज होने वाली है। आपके जो भी पर्सन हैं, अर्थ साइन की हो सकते हैं, टॉरस हो, कैप्रिकॉर्न या लियो, सन मून राइजिंग एंड नॉर्थ नोड में हो सकते हैं उनके। सो बहुत ही ज़रा मेहनती पर्सन दिख रहे हैं, हार्ड वर्किंग पर्सन दिख रहे हैं गाइज। एट ऑफ पेंटिकल्स की सिचुएशन दिख रही है यहाँ पे, ओके? सो आपके पर्सन अपने मनी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बिजनेसमैन भी हो सकते हैं कोई, ठीक है? बिजनेस भी चलाते होंगे वो कोई। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स उन्होंने अपनी लाइफ में देखे हैं, आपके जो इन लॉज हैं उन्होंने देखे हैं, उसके ऊपर वर्क किया है, जिस वजह से वो उनका कोई बिजनेस हो सकता है, फैक्ट्री हो सकता है, कुछ भी गाइस, ठीक है?
बट यहाँ पे दिख रहा है कि यस उनके पास मनी की कोई कमी नहीं है, चाहे गवर्नमेंट जॉब ही क्यों ना हो, ठीक है। लियो सिंह राशि, सन सन की एनर्जीज भी यहाँ पे आ चुके हैं गाइस, तो ऑफ कोर्स आपके पर्सन अथॉरिटी पोजीशन पे भी हो सकते हैं कोई ना कोई, या आपके इन लॉस, ठीक है, कोई ना कोई तो होगा इन लॉस में से आपके। एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ ही यहाँ पे आ चुका है, तो ऑफकोर्स स्ट्रेंथ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले हैं, या जिम वगैरह करना उनको पसंद होगा, ठीक है। एंड ऑल्सो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि वो डॉक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है, ये भी दिख रहा है उनके फैमिली में कोई ना कोई डॉक्टर हो सकता है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके मैरिज में, ओके। सो यहाँ पे बेस चक्र आया है, बेस चक्र गाइस जहाँ तो सेक्सुअलिटी दिखाता है, यहाँ गाइस आपकी मनी अबंडेंस, ठीक है, ये शो करता है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे इन लॉस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके जो इन लॉस हैं वो बहुत ही ज़रा मनी वाइज अच्छे हैं। सो या गाइस मुझे यहाँ पे 555 देखा है एंजल नंबर, सो एंजल नंबर 555 आप सर्च कर सकते हो इसका क्या मीनिंग है। सो ऑफकोर्स आपकी मनी में चेंजेस आ जाएंगे, अगर आपकी अभी की सिचुएशन ये है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है आपकी लाइफ में, तो आफ्टर मैरिज गाइस इन लॉस के साथ कोई भी कमी नहीं होने वाली, वो आपको हर वो चीज़ लाकर देंगे, मैंने आपको कहा आस्क एंड यू शैल रिसीव, सो गाइस आपको सिर्फ कहने की बात है, वो आपको लेकर दे देंगे, ठीक है, वो चीज़ जो आपको चाहिए। ब्लॉसम अबंडेंस भी आया है गाइस यहाँ पे, ऑफ कोर्स आपको कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, ब्लॉसमिक अबंडेंस, ठीक है, सो जिसकी कोई सीमा नहीं हो वैसे ही मनी वाले होने वाले आपके जो इन लॉस, ऑफ कोर्स इंट्यूशन उनकी हाई रहेगी, अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया होगा, लाइक इंट्यूशन लाइक कैसे होता है गाइस, जैसे चीज़ होने से पहले ही, काम होने से पहले ही पता चल जाए कि यस ये ऐसे होने वाला है, और ये सब चीज़ों के ऊपर मतलब उनका ध्यान ज़्यादा होगा। ट्रेडिशनल फैमिली होगी तो ऑफ कोर्स ये सब चीज़ों पे भी मानते होंगे वो, टैरो रीडिंग्स उनको भी पता हो सकता है। सो वाओ, सी दिस अगेन, एस ऑफ पेंटिकल्स इज हियर, मनी वाइज तो बहुत अच्छी फैमिली में जाने वाले हो आप लोग, अभी तो उनके कंडीशंस बहुत अच्छी दिख रहे हैं गाइज, आपके जो भी पर्सन की फैमिली वाले हैं। द वर्ड कार्ड इज हियर, लॉन्ग डिस्टेंस, ओके ओके ओके, मैनिफेस्टेशंस, ओके सॉरी, ये कार्ड आना चाहता है आपके लिए। सो गाइज इनको उठा लूँ पहले, सो गाइज मैजिशियन आया है आपके लिए, एंड थ्री मोर, थ्री ऑफ गाइज, मैंने कहा थ्री मोर, सी दिस, थ्री ऑफ कप्स इज हियर, वाओ गाइज, इसे कहते हैं इंट्यूशन, ओके, खुद ही बुलवाती है इंट्यूशन हमारी हमें, वाओ, चैरियट इज हियर, ओके, वाओ गाइज थ्री नंबर ही इसका है, सी दिस, वाओ थ्री नंबर है गाइज इसका, सी दिस, एम्प्रेस कार्ड इज हियर, वाओ गाइज, मैंने थ्री बोला मतलब आपके लिए थ्री नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइज यहाँ पे, ओके। एंड यहाँ पे आपके लिए जो एनर्जीज आई हैं बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जीज आई हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, मिडल एनर्जीज क्या हैं, ओके, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज आ जाएगा गाइज, बहुत ज़्यादा चेंज, 360 डिग्री चेंज आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे आपकी मैरिज में। सो गाइज ये जनरल रीडिंग है, सो कीप एन ओपन माइंड, अगर आप पेड रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डीएम कर सकते हो वहाँ पे आकर आप, ठीक है, एंड वहाँ पे आप डीएम करोगे तो ऑफकोर्स मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूँगी कैसे आपको क्या करना है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, मनी वाइज कोई कमी नहीं रहने वाली, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आप भी बहुत ज़्यादा अबंडेंट फैमिली में जाने वाले हो, एंड आप भी कोई ना कोई यूनिवर्स की तरफ से ये रिश्ता आपके लिए ब्लेसिंग्स की तरह आएगा, ओके, आप भी बहुत हार्डवर्किंग हो जिस वजह से आपको ये सब चीज़ें दी जा रही हैं, ओके। एंड द वर्ल्ड कार्ड है, लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है, आपके जो भी पर्सन है लॉन्ग डिस्टेंस से होंगे, आपसे आसपास के नहीं होंगे, क्या आप तो फॉरेन कंट्री से ही हूँ, ओके। लियो साइन, टॉरस साइन, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड ऑल्सो गाइज स्कॉर्पियो साइन इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, जेमिनाई, टॉरस, कैंसर, ये साइंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ओके। मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो गाइज आप लोग अपने पर्सन को, एंड वो भी आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। एंड पेज की सिचुएशन आई है आपके पर्सन, सी दिस, दोनों ही पेजेस के कार्ड्स आए हैं, बट आप एम्प्रेस हो सो उनको थोड़ा नाइट या किंग की तरफ जाना पड़ेगा,
ये एम्प्रर बनने की तरफ जाना पड़ेगा, देन आफ्टर दैट आपके पास आप आएंगे ओके वो, बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आ चुका है पहले ही, ठीक है. सो किंग ऑफ पेंटिकल्स किंग है वो, सो ऑफकोर्स अर्थ साइंस का कॉम्बिनेशन हो सकता है आपका टॉरस हो कैप्रिकॉन ओके, एंड स्कॉर्पियो साइन कैंसर साइन जेमिनाई उनका सन मून राइजिंग एंड नॉर्थ नोड में हो सकता है. सो टॉरस ही हो के आपका उनका, ठीक है. सो आपको वो गाइज एज अ क्वीन रखेंगे बनाकर, ठीक है. आप उनके एज अ क्वीन बनकर रहोगी. ऑफकोर्स यहाँ पे एम्प्रेस दिख रहा है, आप उनकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आओगी, ठीक है. आप बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होगी उनके लिए, बिकॉज यहाँ पे लाइक आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत जल्दी दिख रही है आफ्टर मैरिज गाइज ओके. जो भी आपके इन लॉज हैं वो आपसे, यहाँ तो गाइज मुझे ऐसा लग रहा है वो आपसे दूर रहने वाले हैं, अगर पास में भी रहें गाइज बहुत प्यार करने वाले हैं आपको ओके. एंड ऑल्सो थ्री ऑफ कप्स है, बहुत सारे सेलिब्रेशन होते हुए दिख रहे हैं आफ्टर मैरिज ओके. लाइक मैंने आपको कहा बहुत धार्मिक फैमिली होने वाली है, ट्रेडिशनल फैमिली. सो ट्रेडिशनल है तो ऑफकोर्स आपको पता होगा कि जागरण वगैरह घर पे होते हैं, सो वो सब चीज़ें भी हो सकती हैं इनके घर पे, ठीक है, होती हूँ. या सत्संग में जाना वगैरह, ठीक है, ये सब चीज़ें में आपकी फैमिली बहुत आगे होगी जो भी आपके इन-लॉज हैं. एंड यहाँ पे चैरियट कार्ड है, यहाँ पे ऑफकोर्स आपको कहा जाए आपके ट्रैवल करने करके आपको अपने इन-लॉज के पास जाना पड़ेगा. मुझे ऐसा लग रहा है कि यस आप लॉन्ग लाइक आप फॉरेन कंट्री जाओगे, ठीक है, फॉरेन चले जाओगे आप अपने पर्सन के साथ, एंड जो आपके इन-लॉज हैं जहाँ पे आपका रियल घर है इंडिया में वहीं पे रहेंगे. या ऐसे ही आप अगर कहीं और से भी हो, आप रीडिंग देख रहे हो ऑफकोर्स, वैसे ही समझ लीजिए कि यस आपके पर्सन फॉरेन से हैं, या जहाँ पे ट्रैवल करके जाना पड़े वहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं ओके. सो गाइस यहाँ पे मैनिफेस्टेशंस दिख रही हैं, पावर्स फुल मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग, या एंड ऑल्सो आपके पर्सन भी फुल मैनिफेस्टेशंस दिखा रहे हैं अपने करके, ठीक है. अपने सभी के सभी टूल्स को यूज़ किया जा रहा है कि कैसे अपने लॉस को अच्छा किया जाए. लाइक अगर वो आपसे अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे, ठीक है, तो ऑफकोर्स आप लोग मैनिफेस्ट करोगे कि यस ये भी मेरे से, जैसे मेरे हबी मुझे मेरे साथ बिहेव करते वैसे ही करे, अच्छे से बिहेव करे, ठीक है. सो ऑफकोर्स यहाँ से भी देख लेते हैं, बट वो आपको एज अ चाइल्ड समझेंगे, है ना, आपके बेबी बॉय हो सकता है पहले, मैं आपको बता दूँ, ठीक है. सेलिब्रेशंस तो बहुत गाइस आपके जो कज़न ब्रदर्स सिस्टर्स, ठीक है, लाइक आपके अगर आप गर्ल हो तो ऑफकोर्स आपके जी देर वगैरह देवर वगैरह आपकी ननंद वगैरह बहुत सारी हो सकती है जो आपसे बहुत सारा आपके साथ एंजॉय करेंगी, ठीक है. सी दिस क्वेस्ट, यूनिवर्स से प्रे करिए गाइस, अगर आपकी किस्मत में कुछ थोड़ी सी भी डिफ़िकल्टी लिखी हुई वो आप चेंज कर सकते हो यूनिवर्स से प्रे करके ओके. एंड आप अपनी किस्मत का खुद चेंज कर सकते हो, आपकी डेस्टिनी आपके हाथों में है. प्रसेप्शन गाइस, आपको कहा जा रहा है आपकी लाइफ में अगर ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, चेंज आ रहा है, तो उसको रोकिए मत, उस चेंज को आने दीजिए. बटरफ्लाइज आपको दिखती होंगी, एंड ऑल्सो गाइस यहाँ पे स्पैरो भी दिख रही है ऑफकोर्स. ग्रीन सेपायर या फिर गाइस ग्रीन कलर का स्टोन आपके लिए धारण करना इम्पॉर्टेंट हो सकता है ओके. आपको ऐसे ड्रेसेस पहनना भी पसंद हो सकता है, या आपके इन-लॉज आपको ऐसी ड्रेसेस पहनाएंगे, ठीक है. सो ऑफकोर्स अच्छी फैमिली दिख रही है यहाँ पे. मिस्टिसिज्म, सी दिस अगेन मिस्टिसिज्म गाइस, आपके जो इन-लॉज हैं बहुत ज़रा इंट्यूशन को मानने वाले, ठीक है, ये सब चीज़ों में मानने वाले होंगे, ठीक है. भगवान को लाइक जैसे कुंडली वगैरह ये सब चीज़ें उनको बहुत ज़रा माइंड में रहेंगी उनके, एंड भगवान को माने. एंड ऑल्सो गाइज इंट्यूशन उनकी हाई रहेगी सभी के, आपके पर्सन की भी इंट्यूशन बहुत हाई रहेगी. सो उनसे कुछ चीज़ छुपाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए. विक्टम, आपको विक्टम नहीं शो करना है कि यस आप विक्टम हो, ठीक है. सो प्लीज़ अपने आप को अच्छा बनाने के लिए अपने आप को विक्टम मत बना लेना वहाँ पे ओके. बिकॉज यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आप विक्टम बनते हुए दिख रहे हो, ठीक है. फॉरगिवनेस ओके. एंड लास्ट वन इज डेस्टिनी. वाओ गाइस, डेस्टिनी यहाँ पे डेस्टिनी है. ऑफकोर्स आपकी डेस्टिनी में आपके पर्सन लिखे हुए हैं. ऑफकोर्स आपके इन-लॉज जैसे आप चाहोगे वैसे ही होंगे, ठीक है. सी दिस मिरेकल्स इज हियर. सो मिरेकल्स होंगे गाइस आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ में, बहुत सारी खुशियाँ आते हुए दिख रही हैं, मिरेकल्स होते हुए दिख रहे हैं. अगर आपको चाहिए कि यस आपकी लाइफ में मिरेकल्स हों, तो डेस्टिनी के ऊपर सरेंडर कर दें, ठीक है, सब चीज़ों को. ऑफकोर्स आपकी डेस्टिनी अगर अच्छी
बड़ी होगी तो ऑफकोर्स बहुत अच्छी लिखी होगी यूनिवर्स ने, आपको जो करना होगा वो आप ज़रूर करोगे, आपको जो सहना होगा वो आप ज़रूर सहोगे, ठीक है। ये नहीं कि आप ये समझो कि सब कुछ अच्छा होगा मेरी लाइफ में, ये नहीं होता गाइस, ठीक है। कुछ ना कुछ तो होता है, आजकल तो सभी सारी दुनिया दुखी है, कौन खुश है, ठीक है, आप ये देखिए खुद ही। सो ऑफकोर्स फॉरगिव करिए लोगों को, फॉरगिवनेस की भावना अपने अंदर लेकर आइए। ये देख लीजिए, बेबी राइनो से डर नहीं रहा है, सो ऑफकोर्स उसके साथ लेटा हुआ है। एंड यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आपकी जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती है, ये भी लग रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। जो भी आप फैमिली में जाओगे वो जॉइंट फैमिली होने वाली है, न्यू नॉर्मल फैमिली मतलब जैसे चार लोग होते हैं घर पे वैसे नहीं होने वाले, चाचे ताए बहुत बड़ी फैमिली होने वाली है, जहाँ पे भी आपकी शादी होने वाली है। ओके, विक्टम गाइस, अपने आप को विक्टम नहीं समझना है कभी भी, ठीक है, ना ही बनने देना है, अपने ऊपर फोकस करना है, स्ट्रेंथ बना के रखनी है, अपनी सोच वैसे ही ढालें जैसे वो हैं, अपनी सोच को वैसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट यस, अगर आपको खुश रहना है, ठीक है, हैप्पीनेस रखनी है अपनी लाइफ में, ऑफकोर्स थोड़ी सी अपनी परसेप्शन को भी चेंज करना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। आप बहुत इंट्यूटिव हो सकते हो गाइज, ये भी लग रहा है मुझे यहाँ पे कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, ठीक है, आपकी इंट्यूशन, आप मेरी तरह टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, या फिर आप ऐसे ही आपकी इंट्यूशन बचपन से ही हाई है, आपको गॉड गिफ्ट हो, आप गॉड गिफ्टेड हो। सो यहाँ से देख लेते हैं, सो गाइज मुझे किसी ने कहा कमेंट सेक्शन में कल कि आपकी वॉइस कम आती है, तो गाइज आप प्लीज़ मुझे सजेशंस दिया कीजिए, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो जो भी आपको लगता है कि यस ये कम है या ये ज़्यादा है, ठीक है। सो जैसे आपने पहले भी बताया था कि कार्ड्स करीब से दिखाया करो, सो ऑफ कोर्स मात फेयरनेस गाइज, दिस सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर। सो गाइज आपको कहा जा रहा है आपके जो इन लॉज हैं वो आपको फेयर रिजल्ट देंगे, लाइक आपके साथ जस्टिस किया करेंगे, ओके। अगर आप सही हो किसी सिचुएशन में तो आपका साथ देंगे, अगर आप गलत हो तो आपको गलत भी कहेंगे, ठीक है। सो आपको कहा जाए ये जो सिचुएशन है हर एक सिचुएशन को वो हैंडल करेंगे फेयर एंड जस्ट मैनर में, ओके। सो आपके इन लॉज बहुत अच्छे होने वाले हैं, मनी रिलेटेड कोई इश्यूज नहीं दिख रहे हैं, बस थोड़ा सा अगर कोई आपकी लाइफ में हुआ विक्टिम बनाने की कोशिश की तो आपको सर जस्टिस किया जाएगा इन लॉज की तरफ से भी एंड यूनिवर्स की तरफ से भी, ओके। सेक्रेट स्पेस क्रिएट एन अल्टर और विजिट अ पावर प्लेस टू कनेक्ट विद द डिवाइन। सो कनेक्ट करिए डिवाइन के साथ गाइस, कोई अल्टर बनाइए अपने लाइफ घर पे, ठीक है, अपने जो भी आप जगह पे रहते हो वहाँ पे। सो ऑफकोर्स अल्टर क्रिएट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। सो यहाँ से देखिए पावर प्लेस के ऊपर आपको जाने के लिए कहा जा रहा है, ओके। सो काली माई है आपके लिए गाइस, एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स, एंडिंग्स एंड न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली है, द ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो दैट न्यू कैन एंटर। सो आपको कहा जा रहा है अगर आप पुरानी चीज़ों को रिलीज करोगे देन आफ्टर दैट गाइस न्यू चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर हो सकती हैं, ओके। ऑफकोर्स आपको स्पेस बनानी पड़ती है अपनी लाइफ में, ठीक है। सो अपने दिल में भी जैसे जगह बनानी पड़ती है अगर कोई न्यू पर्सन आए, वैसे ही गाइस पुरानी चीज़ों को भूलकर न्यू आगे बढ़ना चाहिए आपको न्यू चीज़ों की तरफ। बटरफ्लाई मेडन ट्रांसफॉर्मेशन गाइस, आपकी लाइफ में यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन का ही साइन है ये, ठीक है। ऑफकोर्स सीरियस डेथ कार्ड इज हियर, सो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, चेंज आ जाएगा आपकी लाइफ में 360 डिग्री, ओके। यू आर एक्सपीरियंसिंग एनॉर्मस चेंज राइट नाउ विच ब्रिंग्स ग्रेट ब्लेसिंग्स, ओके। सो बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे ये जो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आपके लॉस आप से दिस होम वाओ गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है आप घर पे रहने वाले हो, ट्रैवल भी करोगे यस, बट घर पे आप रहने वाले हो, हाउस वाइफ बनने वाले हो, ठीक है। योर हाउस होल्ड सिचुएशन इज इम्प्रूविंग आइदर थ्रू अ मूव और अ हेल्थी चेंज इन द इक्विपमेंट्स, ओके। सो गाइस जहाँ पे भी आप जाने वाले हो वहाँ पे आप बहुत हेल्थी रहोगे, बिकॉज यहाँ पे आपके जो हाउस होल्ड सिचुएशन है वो इम्प्रूव की जा रही हैं, आपके लिए भी हो सकता है या आपके आने से पहले, ओके। आपका न्यू घर बनता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। कोवेंस्टिना प्योरिफिकेशन, इट इज़ टाइम फॉर अ क्लिनजिंग क्लिनजिंग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। सो गाइज आपको कहा जा रहा है ये टाइम है, समय है ये
क्लिंजिंग करने का आपका, डिटॉक्सिफाई करने का आपकी बॉडी को, अपने माइंड को, ओके, बिकॉज यहाँ पे प्योरिफिकेशन दिख रही है, अपने माइंड एंड बॉडी एंड सोल को कि प्योरीफाई करो गाइस, ठीक है, मतलब क्लीन करो, सब पास्ट की चीज़ों को ख़त्म कर दो, तभी आपकी लाइफ में न्यू एंटर हो सकती हैं, ओके। एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स आपको मैसेज सुना होगा आपने पहले, ठीक है, सो ऑफ कोर्स प्योरीफाई बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एस ऑफ कप्स की भी सिचुएशन है, ओके, सो यहाँ पे भी देख लीजिए, डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज राइट। सो गाइस, पास्ट के बारे में मत सोचिए, जो आपको सही लगता है वही करिए, ओके, पास्ट को भूल जाइए एंड प्योरीफिकाई करिए अपने आप को। बहुत ज़्यादा लव देंगे आपके इन-लॉज आपको, पीस शांति होगी उनके घर पे, ठीक है, शांत माहौल रहेगा यहाँ पे ऐसा लग रहा है। सो गाइस, अगर आप पेड रीडिंग्स लेना चाहते हो ले सकते हो, DM कर सकते हो वहाँ पे इंस्टा पे, एंड लाइक कर दीजिए इस रीडिंग को, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को दबा दीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी आपको रीडिंग। एंड गाइस, अभी के लिए इतना ही, हर हर महादेव, राधे राधे, बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल पीपल टैरो। सो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस, आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आ गई हूँ, आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसे होने वाली है, ओके। सो आपके सामने है धर्मा अनफोल्डिंग डजवाल खुल। सो गाइस, अगर आपने इस कार्ड को पिक किया था, या गाइस आपने अपने डेट ऑफ बर्थ को पिक किया था, आपकी डेट ऑफ बर्थ 16 से लेकर 31 के बीच में आती है, तो ऑफकोर्स आपके लिए रीडिंग है। सो गाइस, रिमेंबर दैट यू आर अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। सो गाइस, आप याद रखिए कि आप एक पाथ पे हो, कोई पाथ आपका यूनिवर्स की तरफ से ही आपको दिया गया है, डेस्टिनी में ही लिखा हुआ था कि इस बात के ऊपर आपको चलना है, ओके। आपको कहा जा रहा है एक स्टेप लीजिए, अपने एक ही टाइम पे एक स्टेप लीजिए, वो भी अपनी खुशियों की तरफ, ओके, नेगेटिविटी की तरफ कुछ भी नहीं जाना नहीं है, ठीक है। आपके इन-लॉज भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो सकते हैं, ठीक है, लाइक ये मुझे दिख रहे हैं ऐसे कि ऐसे बहुत एजुकेटेड हैं, ठीक है, लाइक डिग्री होल्डर्स तो सभी होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि येस, या अगर डिग्री होल्डर भी नहीं तो कोई ना कोई जॉब्स में वो होंगे, टीचिंग फील्ड में भी हो सकते हैं वो लोग, ठीक है, मुझे यहाँ भी ये भी दिख रहा है। सो आपको कहा जा रहा है आप एक पाथ पे चल रहे हो, आपको जैसे चलाया जा रहा है, गो विद द फ्लो गाइस, ओके, टेक वन स्टेप हैप्पीनेस की तरफ, एक एक स्टेप्स लेते चाहिए, ठीक है, नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना है। नेगेटिविटी लाइक मीन्स गाइस कैसे हो सकता है, आपकी सोच उसको पॉजिटिव रखिए, ओके, उसको मतलब गलत मत सोचिए किसी के बारे में भी, किसी को कुछ गलत मत बोलिए, ओके, ये कह रही हूँ मैं, नेगेटिविटी ये होती है लाइक किसी के बारे में सोचना भी गलत कुछ, ठीक है, वो भी नेगेटिविटी होती है। डो टू वैल्यू, आपके इन-लॉज कैसे होने वाले, आपकी शादी के बाद लाइफ कैसे होने वाली है, फाइनेंशियल वाइज कैसे होने वाले आपके इन-लॉज, ओके, एंड ऑल्सो आपके स्पाउस का नेचर कैसे होने वाला है। वाओ, बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं गाइस, बहुत अच्छे, ओके, सो गाइस यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो भी इन-लॉज हैं वो मनी रिलेटेड कोई भी इश्यूज नहीं देने वाले आपको। मनी तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फॉरेन, आपकी मैरिज होने वाली है फॉरेन कंट्री से, हो सकते हैं आपके जो इन-लॉज हों फॉरेन से हों, बट थोड़ा आपको कहा जा रहा है कि आपसे जलस बहुत होने वाले हैं लोग, ठीक है, वहाँ पे भी हो सकते हैं, उनकी फैमिली में भी आपके खिलाफ कुछ लोग हो सकते हैं, ओके। बॉटम ऑफ द डेक दोनों ही पाइल्स पे सिक्स चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन ही आए हैं, सो इंट्यूशन बहुत हाई है, या तो आप लोगों की या आपके इन-लॉज की, ठीक है, या आपके स्पाउस की हो सकती हैं, बाकी आपको एंजल्स प्रोटेक्ट करेंगे, आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपको प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, आपकी इंट्यूशन के सहारे आपको रखा जाएगा, लाइक आपको बताया जाएगा कि यस, आपको फील हो जाएगा कि ये पर्सन मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये मेरे बारे में अच्छा सोच नहीं रहा है, ठीक है, सो आप खुद ही समझ जाओगे, बिकॉज आपकी इंट्यूशन लाइक आपको डाउनलोड्स किए जाएंगे आपके माइंड में, ओके। सो आर्कएंजल माइकल भी आपके साथ है, सो गाइज ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप दिख रहा है, जहाँ पे भी आप जाने वाले हो आपके पर्सन की पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, या वहाँ पे आपके कोई ना कोई ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। सो आपके पर्सन अगर आपके ट्विन फ्लेम है तो गाइज बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में टावरमेंट्स आएंगी ही आएंगी, एंड ऑल्सो आपकी लाइफ में अड़चने भी थोड़ी आएंगी, ये मत सोचिए कि यस
ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है तो इजी हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है? नहीं गाइस, टाउ मोमेंट्स आएंगी, अनएक्सपेक्टेडली ही आएंगी, ठीक है? लाइक सेपरेशन हो जाएगी, या गाइस थोड़े टाइम के लिए सेपरेशन हुई है एंड देन फिर से बातचीत हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ कुछ, ठीक है? एंड ये सब चीज़ें ट्विन फ्लेम में देखने को मिलती हैं एंड थर्ड पार्टीज भी आती हैं, ओके? सो एनवे है यहाँ पे, ये नहीं यांग है यहाँ पे गाइस, बट गाइस ये कहना चाहती हूँ कि यस, अगर ट्विन फ्लेम से आपकी शादी हो गई बट थोड़ी सी तो अड़चने तो आएंगी, यूनियन हो गई गाइस, यूनियन बहुत डिफिकल्ट होती है, ठीक है? बहुत कम लोगों की ही हो पाती है, ओके? ये नहीं यांग है यहाँ पे, ऑफकोर्स आपको कहा जा रहा है आपकी जो भी पर्सन है वो एंड आपकी जो फैमिली है वो अपने एनर्जीज को बैलेंस मेंटेन बैलेंस करके रखना चाहती है, ठीक है? आप लाइक उनके घर में अगर शांति है तो वो उसको ही मेंटेन करना चाहती है, वो ज़्यादा या तो इमोशनल हो गए बहुत लोग या फिर बहुत ज़्यादा गुस्से वाले लोग होंगे, ठीक है? उनके अंदर दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उनकी फैमिली में, ये भी हो सकता है कुछ लोग इमोशनल हों कुछ लोग गुस्से वाले हों, या वो ऐसे रहते हैं कि जब उनको रहना है नॉर्मल वो पीसफुल नेचर में रहते हैं एंड इमोशनल होते हैं, हर किसी से प्यार से बात करना, ठीक है? बट जब गुस्से की बात हुई तो गाइस वो आग बुला हो जाएगी, ठीक है? ऐसे होंगे आपके इन लॉस, मतलब डबल फेसेस, ठीक है? डबल माइंडेड ये हो सकता है उनका। एंड वहाँ पे आपसे जलस होने वाले लोग भी दिख रहे हैं, यहाँ पे आपके फैमिली वाले ही जलस होने वाले दिख रहे हैं एंड डो टू वैल्यू दिख रहा है, ऑफकोर्स आपको वैल्यू भी करेंगे। एंड गाइस मनी रिलेटेड कोई इश्यूज नहीं होंगे आपको, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे डॉलर्स दिख रहे हैं तो ऑफकोर्स फॉरेन आपकी मैरिज हो सकती है, ठीक है? फॉरेन कंट्री या फिर अलग स्टेट डिफरेंट स्टेट में हो सकती है, यही अगर इंडिया में ही करना चाहते हो ऑफकोर्स डिफरेंट स्टेट में हो सकती है, ऐसा हो सकता है। बट आपके लिए डोर टू वैल्यू ओपन है आफ्टर मैरिज, आपके इन लॉज से कोई कमी नहीं होगी आपको मनी की। एंड स्ट्रॉन्ग वार्निंग है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है उस घर पे, ठीक है? थोड़ा सा लाइक उनको शांति से के साथ ही रहने देना है, गुस्से में नहीं लाना है, ठीक है? कोई ना कोई रीज़न बन जाता है ऑफकोर्स, तो ज़्यादा उनके सामने बोलना नहीं है आपको, ये कहा जा रहा है। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल है यहाँ पे, ऑफकोर्स आर्कएंजल माइकल ट्विन फ्लेम्स के ही होते हैं, सो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आपके पर्सन या वहाँ पे आपके कोई ना कोई ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है? बेस चक्र के ऊपर वर्क आपने किया है या आपकी जो भी इन लॉज है उन्होंने किया है, सो ऑफकोर्स मनी रिलेटेड इशूज नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, तभी ब्लेसिंग्स उनके पास हैं, पैसे वाइज कोई कमी नहीं है, एंजल ऑफ लव भी आपके साथ हैं, आपके जो इन-लॉज हो गए आपको प्यार बहुत देंगे, ठीक है? बिकॉज एंजल ऑफ लव आपका साथ दे रही है, आपको कोई प्यार की कमी नहीं आने देंगी, ठीक है? वाओ, एम्प्रेस इज हियर, सी दिस, वाओ गाइस, दोनों ही पारस में एम्प्रेस आया है, तो ऑफकोर्स आप लोग एम्प्रेस हो गाइस, ठीक है? चाहे आप बॉय हो चाहे गर्ल, ग्रोथ है आपकी लाइफ में, ठीक है? आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है फैमिली की तरफ से कोई कमी नहीं है आपको मनी की, ठीक है? एंड आने वाले टाइम में जो आपके इन लॉज होंगे वो भी आपको एज अ क्वीन ही बनाकर रखने वाले हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन की, हो सकती है, ओके? सो मैनी कार्ड्स, ओके ओके, आपके पर्सन की हो सकती है गाइज ये एनर्जीज, ठीक है? पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरिस लियो साज, फायर एंड अर्थ का कॉम्बिनेशन दिख रहा है यहाँ पे, ओके? ऑपोजिट अट्रैक्ट्स गाइज, सो बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सी दिस, वाओ, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक इज फोर ऑफ वॉन्ड्स, वाओ गाइज, मैरिज का ही कार्ड आ चुका है, ऑफकोर्स हम मैरिज की ही रीडिंग कर रहे हैं आपके इन लॉज की। सो गाइज आपको हैप्पी हैप्पी रहना पसंद है, सो ऑफकोर्स आपकी मैरिज के बाद भी आप हैप्पी हैप्पी रहोगे। यहाँ पे देख लीजिए बहुत धूमधाम से आपकी शादी होने वाली है, ठीक है? फैमिली वाले बहुत ज़्यादा लाइक सभी लोग मान जाएंगे, या अगर लव भी करनी है इक्वल गिव एंड टेक होगा गाइज आप दोनों में, अरेंज तो यहाँ पे दिख रही है पक्का वाला, ठीक है? बिकॉज टॉरस पेशेंस का ही कार्ड होता है, लाइक एम्प्रेस पेशेंस का ही कार्ड होता है, ऑफकोर्स टॉरस साइन ग्राउंडेड एनर्जीज होती हैं अर्थ साइंस की, ठीक है? सो यहाँ पे गाइस थ्री ऑफ वॉन्ड्स है, लॉन्ग डिस्टेंस तो है ही, जहाँ पे आपकी शादी होने वाली है वो फॉरेन से होंगे आपके पर्सन, यहाँ पे ये भी दिख रहा है, या फिर गाइस अलग स्टेट डिफरेंट स्टेट से हो सकते हैं, या
थोड़ी दूरी से हो सकते हैं, लाइक 3 आवर्स 4 आवर्स, ठीक है, ऐसी दूरी से हो सकते हैं आपके इन-लॉज। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे गाइस, आपकी या तो नी टेंशन ले रहे हो, आप नेगेटिव सोच रख रहे हो, तभी आपको कहा गया कि नेगेटिव मत सोचिए, ठीक है। एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे, ऑफकोर्स आपको कहा जा रहा है आपकी रातों की नींद उड़ रखी है किसी रीज़न की वजह से, आपको कहा जा रहा है ज़्यादा मत सोचिए, ओवर थिंकिंग मत करिए, मेंटली कन्फ्लिक्ट मत लाइए अपने माइंड में, ओके। एंड आपके आपको कहा जा रहा है अपने कंफर्टेबल सिचुएशन में रहना बंद कर दीजिए, ये भी आपको कहा जा रहा है, ठीक है। लाइक आप घर पे ही रहकर सब कुछ करना चाहते हो, कि आप तो आपके जो इन-लॉज है वो चाहें कि आप जॉब करो, ठीक है, सो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप कोई जॉब नहीं करते हो गाइस, तो ऑफकोर्स आपको कहा जा रहा है आपको घर पे ही बैठ कर कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, बिकॉज वो चाहेंगे कि आप भी कुछ करो अपनी लाइफ में, ठीक है। सो कंफर्टेबल सिचुएशन से निकलना पड़ेगा आपको, ये भी कहा जा रहा है। एंड इक्वल गिव एंड टेक होगा गाइस, आपके और आपके इन-लॉज अगर जितना प्यार आप शो करोगे वो भी आपको उतना ही प्यार शो करेंगे, ओके। आपके जो पर्सन है गाइस, उनका बिहेवियर वहाँ पे कैसा होगा, वो थोड़े से चाइल्ड लाइक नेचर दिख रहा है, बच्चों के तरह बिहेव करेंगे अपने पेरेंट्स के सामने वो, ठीक है। ऑफकोर्स आपके साथ भी ऐसे ही होंगे। ग्रेटिट्यूड, ओके, थैंक्स शो करना है गाइस आपको यूनिवर्स को, कि आपने इतने अच्छे आपको इन-लॉज दिए गए हैं, बिकॉज यहाँ पे भी देख लीजिए आपकी सासू माँ बहुत ज़्यादा प्यार देते हुए दिख रही हैं सीधे, एंड आपको बहुत ज़्यादा प्यार यहाँ पे दिल बना हुआ है, ऑफकोर्स आपको बहुत लव दे रही हैं वो अपना वैनिटी, ओके। बहुत सारे सेलिब्रेशंस होने वाले हैं गाइस, ठीक है। एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपको कुछ गाइड कर रही हैं, ठीक है, आपको उसके बीच में रहना है। फर्स्ट पायल में भी विक्टम आया था, तो ऑफकोर्स वहाँ पे आप विक्टम बन सकते हो, ठीक है, आपको नहीं बनना है, आपको अपने ऊपर फोकस करना है गाइज, ओके। सो ग्रीफ, ओके गाइज, आपको किस चीज़ का ग्रीफ है आई डोंट नो, बट यस, बट अगर आपको विक्टम बनाया गया तो अपने आप को ग्रीफ में नहीं लाना है, ठीक है। आपके पास वहाँ पे डॉग भी हो सकता है, आपके जो इन-लॉज हैं उनके पास डॉग हो सकता है, आपका उनसे प्यार हो, ठीक है। सो ऑफकोर्स ग्रीफ नहीं लेकर आना है, ज़्यादा विक्टम जो भी आपको बना रहा है उसको यूनिवर्स को कहोगे इसको मुझे जस्टिस चाहिए, तो आपको ज़रूर जस्टिस मिलेगा, चाहे थोड़े टाइम बाद मिले बट ज़रूर मिलेगा। फेथ गाइस, फेथ रखना है आपको, ओके, आपकी लाइफ में सब कुछ सही होगा। यहाँ पे देख लीजिए कप भी दे रहे हैं आपको यूनिवर्स की तरफ से सीरियस, एस ऑफ कप्स का दिख रहा है यहाँ पे, अर्थ मदर अर्थ गाया भी आपका साथ है, ठीक है, एंजल्स भी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, यूनिवर्स की तरफ से भी आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है आपकी मैरिज पे, ठीक है। आप एमेथिस्ट स्टोन ले सकते हो जो आपकी हेल्प करे आपकी इंट्यूशन हाई करने में। एंड डिस्पोंडेंस, वाओ, लाइक आपकी लाइफ में आपको कहा जा रहा है कि यस, आपको टेंशन नहीं लेनी है, सीरियस मदर अर्थ गाया आपकी हेल्प करेंगे, आपको ग्राउंडेड एनर्जीज में रहना है, ठीक है। एंड एनलाइटमेंट गाइज, आपकी एनलाइटमेंट होते हुए दिख रही है आफ्टर मैरिज, आपकी जैसे देख लीजिए बेबी आपको यूनिवर्स से मांग रहा है कि यस मेरी हेल्प करिए, ठीक है, मेरे को प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। सो ऑफकोर्स आपको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा ऐसे ही। एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, खुशियाँ तो बहुत है, वाओ, टावर भी है, वाओ, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, ओके। सो गाइस, मैरिज तो होते हुए दिख रही है, बट यस, उससे पहले आपको हर्ट भी किया जाएगा इसी पर्सन के थ्रू जिसके साथ आप ट्विन फ्लेम हो। यहाँ गाइस पहले पहले टावर मोमेंट्स आएंगे इस मैरिज में, यहाँ गाइस आपको अनएक्सपेक्टेडली किसी ने हर्ट किया है, उसके बाद आपकी मैरिज होगी, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, या कोई हर्ट कर चुका है आपको, एंड आप बहुत ज़्यादा ग्रीफ में हो कि आपकी लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा, बट आपको कहा जा रहा है आपको विक्टम बनाया गया, इट्स ओके, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ग्रेटिट्यूड शो करिए, ओके, यूनिवर्स के आगे फेथ रखिए कि यस आपको यूनिवर्स सब कुछ देगी, ठीक है। एंड सेलिब्रेशन करिए अपनी लाइफ में, ज़्यादा सोचिए मत इन सब चीज़ों के बारे में, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है जिससे आपकी हेल्थ के ऊपर बुरा प्रभाव पड़े, ठीक है, गलत प्रभाव पड़े आपकी हेल्थ के ऊपर। सो टेंशन और टाइज, ठीक है, आपके इन-लॉज अच्छे ही होंगे, अगर आप बनाकर रखोगे तो ऑफकोर्स अच्छे ही होंगे वो, ऑफकोर्स लाइक आप मम्मी के साथ देख लीजिए आप अपनी मम्मी के साथ कैसे रहते हो।
सो गाइज, जैसे आप अपने मम्मा के साथ रहते हो वैसे ही वहाँ रह लेना, ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ, पर थोड़ा सा नॉर्मल रहना है, ठीक है, वहाँ पे. एंड आपके लिए है अनकंडीशनल लव आपको देंगे गाइज, वो लव योर सेल्फ, अदर्स एंड एवरी सिचुएशन, नो मैटर व्हाट द आउटवर्ड अपीयरेंस मे बी. सो मैरी मैगडलिन आपको बताना चाहते हैं कि अनकंडीशनल लव देंगे आपको वो, एंड आपको भी उनको अनकंडीशनल लव ही शो करना पड़ेगा, ठीक है, लाइक उनका हर एक काम करना पड़ेगा, ठीक है, हर एक चीज़ सिचुएशन में उनके साथ खड़े रहना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो वहाँ पे, ठीक है. हाई प्रिस्टेस गाइस, सी दिस, वो बहुत इंट्यूटिव लग रहे हैं आपकी जो भी इन लॉस वाली फैमिली है, या आपके स्पाउस हो सकते हैं, या आप लोग ही हो सकते हो, ठीक है. डायना, हाई प्रिस्टेस, यू हैव डिवाइन नॉलेज दैट कैन हेल्प अदर्स थ्रू योर स्पिरिचुअल टीचिंग्स. सो गाइस, आपके स्पिरिचुअल टीचिंग्स के थ्रू आपके पास अगर डिवाइन नॉलेज है, ठीक है, आप हेल्प कर सकते हो लोगों के अपने स्पिरिचुअल टीचिंग के थ्रू, लाइक मी, ठीक है. सो डमारा, गाइडिंग चिल्ड्रन, यू आर गुड एट हेल्पिंग काउंसलिंग एंड हेल्पिंग हीलिंग चिल्ड्रन, यूज योर स्किल्स टू हेल्प चिल्ड्रन ऑल्सो. ऑफकोर्स गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है जो भी आपके इन लॉज हैं, या तो उनको बेबीज पसंद है, ठीक है, या वहाँ पे वो काउंसलिंग करते होंगे, एनजीओस वगैरह में हेल्प करते होंगे वो, ठीक है, ऑर्फेन चिल्ड्रंस के जो भी एनजीओस होते हैं, या गाइस आप लोगों के अंदर टैलेंट है ये, आप लोगों के अंदर स्किल है ये कि आप बेबीज को बहुत अच्छे से संभाल पाते हो, गाइड कर पाते हो, ठीक है. आप टीचर हो सकते हो, आपके जो इन लॉज हैं उनमें वो टीचर वगैरह हो सकते हैं कोई ना कोई, ठीक है. मे बी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो प्रिंसिपल भी हो सकते हैं उनमें से कोई ना कोई, स्कूल का प्रिंसिपल या उनका ही स्कूल होगा, ये भी हो सकता है, ठीक है. मे वे, साइकिल्स एंड रिदम्स, ऑनर द साइकिल ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल्स एंड इमोशंस. सो गाइज, आपको कहा जा रहा है अपनी एनर्जी लेवल्स को इंक्रीज करिए, अगर आपकी एनर्जी इंक्रीज हाई रहती हैं, ठीक है, हर टाइम. सो ऑनर करिए अपने आप को, ठीक है, ऑनर करिए जो भी साइकिल्स होते हैं हमारी बॉडी के, एनर्जी लेवल्स जो भी हमारी जैसे लो होती है, हाई होती है, ठीक है, उसके उसको ऑनर किया जाए, इमोशंस को अपने ऑनर करो, ओके. सो और क्या आ रहा है आपके लिए, अनडाइंग लव, ओके. सो गाइज, यहाँ पे अनकंडीशनल लव भी है एंड अनडाइंग लव भी आया. सो ऑफकोर्स आपके जो इन लॉज है बहुत प्यार करने वाले हैं आपको, ठीक है. सो ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बस उनकी बातों में मतलब जैसे कहते हैं ना, वो कुछ बोल रहे हैं आपको उसको सुनने की कोशिश करना, ये नहीं कि अपने सुनाना और अपनी बात मनवाने की कोशिश करना, ओके. बिकॉज अगर आप उनकी सुनोगे तो ऑफकोर्स ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, अनडाइंग लव होगा, ठीक है, अनकंडीशनल लव करेंगे वो आपको. द लव यू हैव शेयर्ड इज इटर्नल रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन. आप भी उनको बहुत प्यार देने वाले हो, ये दिख रहा है यहाँ पे. बॉडीज ऑफ लव, स्पेंड टाइम नियर वाटर सच अ लेक सच एज अ लेक रिवर और द ओशन टू रिचार्ज योर बैटरी. सो गाइज, जब भी आपको लगेगी आपकी बैटरीज लो हो रही हैं, आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, कभी भी आपके मैरिज के बाद भी, ठीक है. सो आपको कहा जा रहा है आप अपनी बैटरीज को रिचार्ज करिए, किस कहाँ पर जाके, ओशंस के आसपास जाकर, अगर आपके पास में है लेक रिवर, ठीक है, या कोई भी वाटर प्लेस हो आपके घर के आसपास, वहाँ पर जाके आप अपनी बैटरीज को रिचार्ज कर सकते हो, आपके लिए गाइडेंस है ये. सो पीस, मैंने आपको कहा कि वो शांति पसंद है, उनको शांति पसंद है अपने घर पे, ठीक है. देर इज़ नो नीड टू वरी एज एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट ब्यूटफुली. सो आपको कहा जा रहा है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वरी करने की ज़रूरत नहीं है, ओके. सब कुछ ब्यूटिफुली वर्क किया जा रहा है, कर रहा है, ठीक है, लाइफ गो विद द फ्लो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. सो गाइज, अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो लाइक कर देना, अगर आप इंस्टा पे हो तो DM कर देना, अगर आपको रीडिंग चाहिए हो पर्सनल एंड पेड रीडिंग्स, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड ऑल्सो अबाउट सेक्शन में है, ओके. फॉलो कर सकते हो वहाँ पे मैं रील्स डालती हूँ. सो गाइज, यहाँ पे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन को दबा देना, एंड गाइज कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी आपको रीडिंग. गाइज अभी के लिए इतना ही, हर हर महादेव, राधे राधे, बाय.